जय साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद बीटीसी बीएड के अभ्यर्थियों में तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर कौन सी तैयारी करना बेहतर होगा, क्योंकि बीटीसी के लिए तो एक से लेकर पांच तक प्राथमिक तक के लिए रहा हो गई, मतलब केवल एक से लेकर पांच तक ही परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे जो भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे मौके खुले हैं, और मौकों की बात करें छह से लेकर बारह तक में जूनियर है, माध्यमिक है, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एनबीसी, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, बीएससी, तमाम तरह के पोस्ट है जिनमें आवेदन कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि बीटीसी के लिए पद ज्यादा आ सकते हैं, प्राथमिक भर्तियां ज्यादा आती हैं, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए जो होता है पद कम आते हैं, और कोर्स भी दो वर्ष का उनका भी है, दो वर्ष का उनका भी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ चुका है कि प्राथमिक आवेदन करने के लिए केवल बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी होंगे, और उससे ऊपर की परीक्षाओं को पास करने के लिए, उसके ऊपर सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी जरूरी है, चाहे आपको जूनियर में शिक्षक बनना हो, माध्यमिक में बनना हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन तमाम बड़े बड़े पदों के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपके लिए अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार है वो आपका बीएड, मतलब बिना बीएड के आप ऐसे परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, इस तरह के परीक्षा में आप आवेदन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको आवेदन करना है, सबसे पहला काम आपको जान लीजिए आपके लिए इस सब के लिए बीएड होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी के लिए अगर आप आवेदन करने की इच्छुक हो तो बीटीसी, बस फर्क इतना है बीटीसी में सीटें ज्यादा आती है, मतलब बीटीसी अगर आपने कर लिया प्राथमिक शिक्षक बनना है तो आप सीट ज्यादा आती है, लेकिन पद छोटा है। बीएड में पद बड़े हैं, पद कम आते हैं, पद की जो गरिमा है वो बड़ी है, वेतन बड़े हैं, वेतन ज्यादा है। तो अब इस पर हम जानेंगे कि बीएड के अभ्यर्थी तक आपको क्या क्या करना है और बीटीसी के अभ्यर्थी तक आपको क्या क्या करना है, इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। दोनों पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी भर्ती में क्या है। जैसे अगर आप बीटीसी हैं तो आपसे सबसे पहला फोकस होना चाहिए एक से लेकर पांच तक की, आपको टेट पास करना, जो प्राथमिक के लिए टेट होती है, टेट या सी टेट। अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपको जूनियर छह से लेकर आठ तक के टेट पर फोकस करना है। लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां वो बिना टेट पास किए भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और एक सरकारी नौकरी तक अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर एक एक करके मैं वीडियो में बात करें तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और जहां जरूरत पड़े आप इनमें कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा ताकि आपके सभी मित्र जो है इस तरह से जुड़े हुए सवालों में प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप भी के भी जो सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला आता है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अगर मौकों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मौके हैं जो सबसे प्रमुख रूप से मिलते हैं। पहले तो हम बात करते हैं जिनमें टेट की जरूरत नहीं पड़ती, माने बिना टेट के, बिना टेट की अगर हम बात करें कि बिना टेट परीक्षा के, बिना टेट परीक्षा के कौन कौन सी भर्ती है जो बीएड के अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो अगर आप बीईओ, अगर आप बीईओ की बात करें, इसे हम खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तभी इस भर्ती को आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे आवेदन नहीं कर सकते। एक तो हो गया बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, दूसरा है ये हो गया आपका बीईओ हो गया, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो बीएससी, ये आपका पीसीएस के थ्रू होता है, ये परीक्षा क्या होती है पीसीएस के थ्रू होती है, और ये पीसीएस के ही द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ स्नातक होना चाहिए, यहाँ पर कहीं भी किसी भी दशा में आपके लिए टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें कि जहाँ पे आपको टेट की जरूरत नहीं पड़नी है और आप चाहते हैं कि बीएड के माध्यम से आप जाएं, तो आपके लिए एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में, ये भी इन तीनों परीक्षा की बात करें, ये तीनों परीक्षा जो है ये यूपी, पीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन तीनों परीक्षाओं का आयोजित करती है। एलटी ग्रेड की बात करें इसमें भी आपको आवेदन करने के लिए टेट पास होना जूनियर प्राइमरी का जरूरी नहीं है, अगर आप केवल बीएड के अभ्यर्थी और स्नातक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये तो हो गया जिसमें टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी इसके साथ साथ आपके पास और भी है, जैसे आप टीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं और टीजीटी भी दे सकते हैं, क्योंकि पीजीटी बीटीसी वाले के अभ्यर्थी, मतलब बीटीसी के अभ्यर्थी भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से क्या होगा टीजीटी, क्योंकि टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है, निकट भविष्य में पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए भी आपके पास टेट उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है, माने बिना टेट के भी आप इन परीक्षाओं को दे सकते हैं, इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे आपको यहां तक अगर समझ में आ गया, देखिए बीओ बीओ है यूपीपीएससी कराती है, बीएससी यूपीपीएससी कराती है, एलटी ग्रेड भी क्या है यूपीपीएससी करती है, जो नया
शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, वो अभी ये कंफर्म नहीं है वो एलटीगेट कराएगा अथवा नहीं कराएगा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो कंफर्म है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। अब ये आपको क्लियर हो गया, इन इन परीक्षाओं में दे सकते हैं। अब आपके लिए इस समय कौन सी भर्ती है जो सबसे पहले आपके सामने आ रही है, तो सबसे पहले जिन भर्तियों को आने का संकेत है उसमें हम मान लेते हैं, सबसे पहला बीओ का दिया चयन हो रहा है, क्योंकि बीओ के रिकॉर्ड है ये 4 से 5 साल में एक बार आता है। ये परीक्षा 2 चरणों में होती है जिसे हम प्री और मेंस कहते हैं। इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता, और अगर इंटरव्यू नहीं होता तो आपको सिलेक्शन की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जितनी तैयारी आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए की थी, जितना तैयारी आपने अभी तक मेहनत किया था, उतनी तैयारी आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए लगा देंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये एक ब्लॉक का अधिकारी होता है जिसके अंदर में जूनियर और प्राइमरी दोनों के शिक्षक आते हैं, विशेष शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी आते हैं। उससे भी बड़ी बात एक बात और जानी, पिछली बार बीओ की परीक्षा में ई लर्निंग विद दुर्गेश से जहां पे मैंने भी पढ़ाया था, वहां से 67 अभ्यर्थियों ने लगभग बीओ की प्री परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बसरते पिछली बार 309 पोस्ट थे, लगभग 300 पोस्ट थी, लेकिन इस बार अधियाचन चल रहा है, उम्मीद है कि 300 से 400 पोस्ट आ सकती है। बस आपको मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीएड के लिए पद कम होते हैं, संख्या ज्यादा होती है, अच्छे बच्चे जो होते हैं, क्रीम बच्चे जो होते हैं, उनके सिलेक्शन की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उनके सिलेक्शन की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ रही है, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप आवेदन करके तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये दूसरा जो है ये बीएससी के लिए आपको पीसीएस यूपी पीसीएस के आवेदन करेंगे उसके माध्यम से ही हो पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई हो जाती है। लेकिन दूसरी ये बीओ, इसके लिए स्नातक और बीएड से, इसके लिए क्या चाहिए आपको, स्नातक, स्नातक के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आप स्नातक के साथ बीएड है तब बीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पूरा सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको बीओ की पूरी जो सिलेबस है, पूरा परीक्षा पैटर्न है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करें, दूसरी जो भर्ती है जो लगभग 9 से 10 हजार आ सकती है, इसकी अगर पद की बात करें, यहाँ पर अगर हम पदों की बात करें तो ये आ सकता है 300 से 400 पोस्ट संभावित है। इसके बाद जो एलटी ग्रेड है, इसके बाद इसमें भी आपके पास स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इसके जो पोस्ट की संख्या उम्मीद लगाई जा रही है कि 9K से लेकर 10K तक, मैंने 9,000 से लेकर 10,000, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, अगर पदों की संख्या की मैं बात करूं तो 9 से 10 हजार पोस्ट यहाँ पर आने की उम्मीद है, 9 से 10 हजार पोस्ट आ सकता है। उसके बाद आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए विषय का जोड़ना, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जहां पर आप लोग टीजीटी, इसमें भी स्नातक प्लस बीएड। अभी यहां पर आपने देखा कि अभी 4100 पदों पर लगभग भर्ती होना शेष है टीजीटी पीजीटी को मिलाकर, जहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कर चुके हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और नई भर्ती की भी जो बात है, नया भर्ती उम्मीद लगाई जा रही है कि नई भर्ती भी आपको मिल सकती है टीजीटी की, जिसकी संख्या उम्मीद है कि 6 से 7 हजार एक बड़े पदों के रूप में चुनाव से पहले मिल सकती है। अगर चौथा हम बात करें, यहाँ पर अभी ऐसे नवोदय विद्यालय है और कई ऐसी परीक्षाएं हैं, यहाँ पे पीजीटी, पीजीटी में परास्नातक, यहाँ पर बीएड जरूरी नहीं है। और ये जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं, ये केवल यूपी में ही नहीं, उसके आप केवीएस में भी दे सकते हैं, डीएसएसबी में भी दे सकते हैं, भारत के अन्य अन्य सभी अलग अलग राज्यों में दे सकते हैं, जहां जहां तक योग्यता है, नवोदय विद्यालय दे सकते हैं, इन सभी जगह दे सकते हैं। इसके अलावा भी बीएड के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कई जगह आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना है, कि अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हमें इस समय सबसे पहले किस पर फोकस करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा आपको बीओ और एलटी ग्रेड पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसी भर्ती है जो आपके सामने सबसे पहले आ सकती है। और बीओ एक अधिकारी है जिसके नाम के साथ आपके अधिकारी जोड़ जाता है, जिसे हम खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तक के अभ्यर्थी केवल आपके लिए इतने मौके हैं। अब हम बात करते हैं बीटीसी के अभ्यर्थियों के लिए, तो जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड के अभ्यर्थी, अगर बीटीसी के साथ साथ यहां पर डीएलएड के भी अभ्यर्थी होंगे, डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए केवल अगर हम बात करें टेट अनिवार्य, इनके लिए क्या है, इनके लिए टेट पास होना अनिवार्य है। अच्छा, यहां पर भी देखिए, अगर हम पांचवा में यहां पे बताऊं तो 6 से लेकर 8 तक के लिए जूनियर का शिक्षक, इसके लिए जूनियर टेट होना जरूरी है, इसके लिए जूनियर का
टेट होना जरूरी है। माने आपको 6 से 8 तक में सरकारी शिक्षक बनने के लिए, जूनियर में शिक्षक बनने के लिए आपके पास जूनियर का टेट होना अनिवार्य है। उसके अलावा जो भी भर्ती है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीओ, इनमें किसी में भी आपको टेट परीक्षा पास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपको 6 से लेकर 8 तक का जूनियर का टेट पास होना जरूरी है। निकट भविष्य हो सकता है टीजीटी के लिए भी जूनियर का टेट लगा दे, इसलिए आप सभी साथी जूनियर का टेट भी देते रहिएगा। तो इन परीक्षाओं के लिए जो मैंने ऊपर बताए हैं इन सबके लिए आपको टेट पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जूनियर का शिक्षक बनने के लिए, अगर आप जूनियर का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 6 से 8 तक के लिए तो आपको जूनियर का टेट पास होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम अन्य बातों पर अगर हम बात करें तो और कई बातें आपके हमारे सामने आपके जेहन में आती हैं। इसमें सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक के लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। आप केवल 1 से लेकर 5 तक के लिए शिक्षक बन सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ते नहीं है। इसके लिए आपको टेट पास करना होगा। टेट के बाद आपको सुपर टेट पास करना होगा। उसके बाद मेरिट में तब आपको अंतिम सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यहां पर पद ज्यादा आता है और शिक्षक भर्ती परीक्षा उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव के नजदीक आप उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप केबीएस पीआरटी, मतलब यहां यू कह सकते हैं पीआरटी, एक लाइन में हम इसे पीआरटी समझ सकते। अब यहां पर जैसे केबीएस पीआरटी यूपी पीआरटी, तो यहां पर आप जहां पर पीआरटी है वहीं पर केवल मौका है। लेकिन अगर आप डीएलएड के साथ साथ अगर आप जैसे मान लेते हैं बीटीसी प्लस पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप क्योंकि बीटीसी का कोई रोल ही नहीं है, अगर आप केवल पीजी हैं, केवल अगर आप पीजी हैं, क्योंकि डीएलएड के बाद अगर आपने पीजी कर रखा है, डीएलएड के साथ साथ अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप पीजीटी भी दे सकते हैं। तो आप पीजीटी दे सकते हैं, पीजीटी जो है वो बीटीसी का अभ्यर्थी भी दे सकता है बीएड, क्योंकि इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? पीजी चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पर पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है परास्नातक है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर बीटीसी का कोई रोल नहीं है, पीजी के साथ आप दे सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो केवल प्राइमरी पर फोकस करें, प्राथमिक में सरकारी शिक्षक बनने के लिए अगर आप टेट या सीटेट नहीं पास हैं तो सबसे पहले टेट प्राइमरी का टेट पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्राइमरी का टेट काफी अनिवार्य है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपसे पहले बताया कि आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएगा। जितने लोग इस वीडियो को टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे द्वारा सभी क्लासेस निशुल्क होती है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आता रहता हूं। तो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा, और पेज पर नए हैं तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथी मित्र जो है जिन्होंने बीटीसी या बीएड किया है उनको ये समझ में आ जाए कि किसको अब क्या करना है। मतलब आपने ये देख लिया कि जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके सामने केवल प्राथमिक में शिक्षक भर्ती बनने का मौका मिलता है। अब इन दोनों में एक और अंतर है कि प्राथमिक के लिए सीट ज्यादा आती है, लेकिन अगर हम बात करें बीएड के अभ्यर्थियों के लिए सीट कम होती है। कंपटीशन दोनों जगह ज्यादा है क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या दोनों जगह बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अब आपको निश्चय करना है क्या क्या करना है। जो अभ्यर्थी बीटीसी या डीएलएड टेट पास है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दे, उसके लिए आप अपना बेस्ट और बेहतर देना शुरू करें। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड, क्योंकि एलटी ग्रेड के पीछे पद खाली रह गई थी। मतलब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर और गणित की स्थिति ये थी कि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब योग्य बीएड के अभ्यर्थी उनको नहीं मिल पाए, ये सबसे बड़ा विडंबना था। लेकिन हम चाहते हैं इस बार अगर आए, क्योंकि उसका एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उसमें सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं, उसके बाद विषय का होता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों के लिए आपको जीएस पढ़ना जरूरी है। अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास जीएस की तैयारी फोकस करनी होगी, जीएस पर अपना बेस्ट और बेहतर देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए, जैसे बीओ एलटी ग्रेड या जिस भी भर्ती की आप तैयारी करना चाह रहे हैं या जिस पर अपना फोकस करना चाह रहे हैं उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आओ, तो आप इस वीडियो को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि हम आपके लिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ
जो भी वीडियो चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट और बेहतर दें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप एक रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस हमेशा से सिलेक्शन के लिए थी, सिलेक्शन के लिए है और सिलेक्शन के लिए रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी, तो नोट्स के लिए भी अगर आप चाहें तो नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं, जो शायद आपको निकट भविष्य में काम आ जाए। उसके लिए आप एक नंबर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, शायद आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो आप उस नंबर को अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, हो सकता है कभी आपके काम आ जाए। क्योंकि मेरी क्लासेज आपको हमेशा निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय मिलती रहेंगी, 6306344367। ये आपको इन सभी की नोट से संबंधित जानकारी जो होगी वो आपको मिल जाएगी, आप इससे जोड़कर। क्योंकि देखिए, आपको जो विषय की तैयारी आपको करनी है, सबसे अहम इनके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए जो मुख्य भूमिका है वो यहाँ पर जीएस, इसके लिए जो मुख्य भूमिका है वो जीएस, क्योंकि बिना इसके आपको पार पाना मुश्किल। क्योंकि पीछे भी देखा आपने, इससे बहुत सारे सीट खाली रह गए थे एलटी ग्रेड के, गणित हुआ। अब कोई कह रहा था सर इसमें योग के बीएड के भर्ती नहीं मिल पाए जो क्वालिफाई कर पाए पेपर, तो ये काफी बड़ी विडंबना थी। वैसे आप लोग अपना बेस्ट और बेहतर दे, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा, और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। और हाँ, आपकी क्या राय है, आप हमेशा तैयारी करते रहिएगा, कभी बीच में ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि आपका मेहनत ही आपके परिवार का सपना से जुड़ा हुआ है, मतलब आपके परिवार के सपनों से आपकी ये जुड़ी हुई है, इसलिए आप लोग अपना बेस्ट और बेहतर देते रहे। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी अग्रिम भविष्य को लेकर चिंतित होंगे और उसके प्रति जुनूनी होंगे, तो अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। हाँ, कोई सवाल कोई जवाब कमेंट करिएगा, कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं।